हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, मूवी के बैक टू बैक ट्रेलर के बाद फाइनली आ चुका है मूवी का टाइटल ट्रैक। मैं बात कर रही हूँ भूल भुलैया 3 मूवी के टाइटल ट्रैक की, जो कि रिलीज हो चुका है। तो चलिए जानते हैं कि ये सॉन्ग कैसा है, और ये सब जानने के लिए आपको मेरी वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। भूल भुलैया 1 मूवी का जो टाइटल ट्रैक था वो काफी अच्छा था, और उसके जो सिंगर थे वो थे नीरज श्रीधर। उसके बाद भूल भुलैया 2 मूवी आई, जिसके टाइटल ट्रैक को रिमिक्स करके प्रेजेंट किया गया। अब आइए भूल भुलैया 3, जिसका टाइटल ट्रैक ना केवल रिमिक्स है बल्कि सुपर रिमिक्स है। जब ये सॉन्ग आप सुनोगे तब आपको आवाज सुनाई देगी अमेरिकन रैपर पिटबुल की, क्योंकि काफी लोगों के फेवरेट रैपर भी होंगे। उनकी रैपिंग, उनकी वॉइस आपको इस सॉन्ग में सुनने को मिलेगी। साथ ही में आपको पंजाबी सिंगर दिलजीत की आवाज भी सॉन्ग में सुनने को मिलेगी। और ना केवल पिटबुल और पंजाबी सिंगर दिलजीत, बल्कि इस सॉन्ग के ओरिजिनल सिंगर नीरज श्रीधर की आवाज भी आपको इस सॉन्ग में सुनने को मिलने वाली है। मतलब जब इस सॉन्ग में अमेरिकन, हिंदी और पंजाबी मिक्स होकर के आएगा तो ये सॉन्ग क्या बनेगा, ये सॉन्ग एक धमाकेदार सॉन्ग बनेगा। और वाकई में ये सॉन्ग एक धमाकेदार सॉन्ग है। और ना केवल ये सॉन्ग सुनने में अच्छा है, जितना ये सुनने में अच्छा है उससे ज्यादा ये सॉन्ग देखने में अच्छा है। मतलब इस सॉन्ग के जो विजुअल्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। सबसे ज्यादा अच्छा है इस सॉन्ग में जो कार्तिक आर्यन की परफॉर्मेंस है। क्या ही डांस करा है कार्तिक आर्यन ने, एकदम हाई लेवल डांस। उनकी परफॉर्मेंस, उनके डांस स्टेप्स इतने अच्छे और इतने नीट एंड क्लीन है कि मजा आ गया देख करके। खासकर कार्तिक आर्यन का जो स्टेयर्स वाला मून वॉक है बहुत अच्छा है। मैं सही बता रही हूँ, ये स्टेप्स कार्तिक आर्यन के ट्रेंडिंग होने वाले हैं, और जिन लोगों को डांस स्टेप्स कॉपी करना पसंद है तो उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है कार्तिक आर्यन के इन स्टेप्स को कॉपी कर पाना। तो इसके लिए हार्ड वर्क बनता है बस। अब अगर मैं बात करूँ इस सॉन्ग के बैकग्राउंड की, तो इस सॉन्ग की जो कलर ग्रेडिंग है, जो उस तरह का डार्क शेड इस सॉन्ग को दिया गया है, वो बहुत अच्छा है और सॉन्ग को बहुत ज्यादा सपोर्ट भी करता है। तो इन टोटल ये सॉन्ग सुनने में भी अच्छा है और देखने में तो है ही बहुत बढ़िया। जब किसी फ्रेंचाइजी की पहली मूवी या उसके सॉन्ग्स की हाइप काफी ज्यादा हो, तब उस फ्रेंचाइजी की आने वाले सॉन्ग्स की हाइप को मेंटेन कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन इस चीज को बड़ा लाइटली लेती है भूल भुलैया फ्रेंचाइजी, और उसी के रहते ये जो सॉन्ग रिलीज किया है भूल भुलैया ने, इसे देख के साफ पता लग रहा है कि इस सॉन्ग की हाइप भी बहुत अच्छी होने वाली है। ये सॉन्ग वाकई काफी अच्छा है, ना केवल सुनने में बल्कि इसके लिरिक्स, इसके डांस स्टेप्स, इसके विजुअल्स, सब कुछ एकदम परफेक्ट है। ये सॉन्ग जल्द ही ट्रेंडिंग लिस्ट में आने वाला है। खैर, इस सॉन्ग को मैंने अपनी प्लेलिस्ट में तो ऐड कर ही लिया है। बाकी इस मूवी के ट्रेलर ने जितना धमाल मचाया था, उससे ज्यादा धमाल तो इस मूवी के सॉन्ग ने ही मचा दिया है। इस सॉन्ग को लेकर के आप लोगों की क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। फिलहाल ये था मेरा रिव्यू सॉन्ग भूल भुलैया के टाइटल ट्रैक को लेकर के। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और आगे ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।